कि गर्मी बढ़ रही है, उसके सबसे बड़े कारणों में से एक कारण है लोगों का जीवन शैली। और लोगों का जीवन शैली में सबसे मुख्य कारण है लोगों के द्वारा मांसाहारी भोजन का उपयोग और उपभोग। हम जानते हैं कि दुनिया में दो तरह के लोग रहते हैं इस समय। एक तो ऐसे लोग हैं जो जीवन में बचपन से लेकर और उम्र के आखिरी दिन तक शाकाहारी हैं, और एक ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जो बचपन से लेकर और उम्र के आखिरी दिन तक मांसाहारी हैं। तो भारत के और दुनिया के वैज्ञानिकों ने जो अध्ययन किया तो पाया कि जो लोगों की जीवन शैली में मांस खाना बहुत ज्यादा है, जो बहुत ज्यादा मांस का उपयोग करते हैं, जो बहुत ज्यादा मांस का उपभोग करते हैं, उनके कारण दुनिया में सबसे ज्यादा गर्मी बढ़ रही है। अगर उस गर्मी के बढ़ने को कोई अंक से निरूपित किया जाए, और मैं आपको समझाने के लिए एक सरल अंक का उपयोग करूं, तो ऐसे समझ लीजिए कि दुनिया में 20 कारण हो सकते हैं, 50 कारण हो सकते हैं गर्मी बढ़ने के, उनमें सबसे बड़ा कारण है मांस का उत्पादन और उसका उपभोग। तो मांस का उत्पादन करने वाले जो देश और मांस का उपभोग करने वाले जो देश हैं, वो सबसे ज्यादा गर्मी बढ़ा रहे हैं। अब इस गर्मी बढ़ाने को प्रतिशत में अगर मैं बताने की कोशिश करूं, तो मान लीजिए 100% कुल अंक होते हैं, तो इसमें 25% गर्मी बढ़ रही है वो मांसाहारी लोगों के जीवन शैली के कारण बढ़ रही है। 18% जो गर्मी बढ़ रही है वो दुनिया में फालतू गाड़ियां चलाने से और बिना जरूरी यात्राएं करने से बढ़ रही है। 25% गर्मी बढ़ रही है मांसाहारी भोजन से, 18% गर्मी बढ़ रही है फालतू के यातायात से, और बची हुई जो गर्मी बढ़ रही है वो बची हुई गर्मी बढ़ रही है प्रदूषण से और औद्योगिक उत्पादन के द्वारा और सेवाओं के द्वारा, और थोड़ा बहुत हिस्सा उसमें खेती और जानवरों के द्वारा। तो कुल मिलाकर गर्मी बढ़ने के इतने सारे कारण हैं। औद्योगिक कारणों में लगभग 18-20 कारण हैं, उनके ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता, समय चला जाएगा। तो औद्योगिक उत्पादन को सारी दुनिया में कहा गया कि एक उत्पादन ऐसा जो बहुत जरूरी है लोगों के जीवन को चलाने के लिए, जो आवश्यक उत्पादन है, और एक उत्पादन ऐसा जो बिल्कुल जरूरी नहीं है, लोगों के जीवन को बिना उस उत्पादन के भी चलाया जा सकता है। जैसे मैं एक उदाहरण दूं कि हम खाना खाते हैं, तो खाना खाने के लिए चावल का उत्पादन करना पड़ता है, गेहूं का उत्पादन करना पड़ता है, चने दाल सब्जियों का उत्पादन करना पड़ता है, फलों का उत्पादन करना पड़ता है, हमें सूखे मेवों का उत्पादन करना पड़ता है। तो इस उत्पादन को माना जाता है ये जरूरी उत्पादन है। इसी तरीके से आपको स्नान करना है तो आपको साबुन चाहिए, कपड़े धोने हैं तो आपको वॉशिंग पाउडर, डिटर्जेंट पाउडर चाहिए, आपको अपने जीवन में दैनिक कामों को पूर्ति करने के लिए जो काम में आने वाली चीजों का उत्पादन है वो भी जरूरी माना जाता है। तो दुनिया में दो तरह का उत्पादन है, एक जरूरी, गैर जरूरी उत्पादन क्या माना जाता है दुनिया में। उदाहरण के लिए आप अपने घर में रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल करते हैं, तो ये रेफ्रिजरेटर का सारी दुनिया में उत्पादन गैर जरूरी माना जाता है। माने अगर रेफ्रिजरेटर ना भी बने तो भी हमारा जीवन चलाया जा सकता है। इसी तरह से एयर कंडीशनर में हम रहते हैं तो एयर कंडीशनर का उत्पादन गैर जरूरी माना जाता है। तो गैर जरूरी उत्पादन में मैंने दो उदाहरण दिए, रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशनर है, और जरूरी उत्पादन में मैंने कहा चना चावल दाल मटर आदि आदि चीजें हैं। तो जो जरूरी उत्पादन है हमारे लिए और सारी दुनिया के लिए, उसके द्वारा जो गर्मी बढ़ रही है वो मात्र 18% है, और जो गैर जरूरी उत्पादन के द्वारा दुनिया में गर्मी बढ़ रही है वो लगभग 32% है। तो 32% गर्मी बढ़ रही है दुनिया में ऐसी वस्तुओं के उत्पादन से जो हमारे और दुनिया के ज्यादा काम की नहीं है, विलासिता की वस्तुएं जिनको हम कह सकते हैं। तो विलासिता की वस्तुओं का उत्पादन करके 32% गर्मी बढ़ रही है, जरूरी वस्तुओं का उत्पादन करके 18% गर्मी बढ़ रही है, 25% अकेली गर्मी बढ़ रही है मांस का उत्पादन करके, और बची हुई जो गर्मी का हिस्सा है वो हमारे फुटकर क्रियाकलापों से बढ़ती रहती है, जिसमें मैंने एक क्रियाकलाप बताया था ट्रांसपोर्टेशन, यातायात, उसमें से एक यातायात जो बहुत जरूरी है और एक यातायात जो बिल्कुल काम का नहीं है, जो गैर जरूरी है। तो ऐसे करके दुनिया में सारा बंटवारा हुआ।